रोटी खाने के पैसे नहीं है, जेब कहाँ से आजकल क्या करें, ना दे तो दुनिया छोड़ती नहीं है किसी को। जब जब साल दी कुड़ियां अगे कोई रिश्ते नहीं सही लाभ देना जेब की वजह। बाई चांस ससुराल ऐसा होगा मेरे भैया जो कहेगा मैं कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब वो भी ले जाते हैं तो बाद में वो भी ताने शुरू हो जाते हैं। तुम अपने घर से लेकर के आई हो, माशरे के नजरियात को देखते हुए उन्होंने आपको दिया? उन्होंने अपनी बेटी को दिया, मुझे नहीं दिया। महंगाई के दौर में एक बाप के लिए अपनी बेटी को जहेज देना कितना मुश्किल है? बहुत नामुमकिन है, बहुत ही नामुमकिन है। हाँ कि किस तरह दे, कैसे कमाई करे, एक एक चीज़ लेना मैंने रख दिया। मैंने अपनी बच्ची का करना है तो मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। आप अपनी बच्ची को जहेज दे रही? जाहिर है वो तो अपनी दे रही देना कर रहे हैं। लड़के वाले डिमांड ना भी करें लेकिन अपनी इज्जत को देना पड़ता है, क्योंकि हमारे माशरे ने ये चीज़ पैदा कर दी। हाँ ये चीज़ पैदा कर, नहीं देंगे तो वो ताने दे दे के मार देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। और आपका कोई बच्चा है, आपने लिया जहेज? ना मैंने लिया, मेरा एक ही बेटा, मैंने कोई भी नहीं लिया, मैंने एक चीज़ भी नहीं ली उससे। मैंने चीज़ नहीं लिया, तीन कपड़ों में बस। जहेज लेना बुरी बात? बहुत बुरी बात है, बहुत ही बुरी बात है। जहेज मांगना भी बुरी बात? बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। हमारे इस्लाम में नहीं है, इस्लाम में बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है इसका, पाकिस्तानी कानून में भी इसको मना है। बिल्कुल हाँ मना है, लेकिन लोग फिर भी ऐसा करते हैं तो, लेकिन बहुत गलत करते हैं। आपकी शादी हुई थी, आप भी जहेज लेके? नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। तब इतना सोसाइटी प्रेशर नहीं था? बिल्कुल नहीं था, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा है। आजकल तो डिमांड ही उनकी इतनी ऊंची ऊंची, लड़की ये लाए, लड़की वो लाए, गाड़ी होनी चाहिए, फिलहाल होनी चाहिए, बहुत डिमांड है उन लोगों की। बड़ी बेटी की ये 12 रबी अवल को मैंने तारीख रखी, शादी रखी है, परेशानी 24 घंटे कि यार बेटी को कुछ ना कुछ तो दें, लेकिन रोटी खाने के पैसे नहीं है, जहेज कहाँ से दें? लड़के वालों ने डिमांड किया जहेज की? नहीं उन्होंने नहीं कही, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए। लेकिन यार देखो, हमने एक दिन से लेके 18-20-22 साल बेटी को अपने पास रखते हैं, तो खाली हाथ थोड़ा जाने देंगे? लेकिन इस्लाम में तो इस चीज़ का कोई तसव्वुर नहीं है, जहेज का नहीं होना चाहिए। लेकिन आप फिर भी, आप पे माशरे का इतना प्रेशर है कि आप बेटी को कुछ ना कुछ देंगे, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े? हाँ कुछ ना कुछ तो करेंगे ना इंशाल्लाह, ये बेटी को ऐसे खाली हाथ तो नहीं जाने देंगे। ठीक है थोड़ा बहुत दे देंगे, अपनी गुंजाइश के मुताबिक दे देंगे। आपके कोई बच्चे हैं उनके लिए जहेज बना रही हैं? ज़ाहिर है हर माँ बनाती है, जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें, जो एक्स्ट्रा आप लोग कहें कि लड़के वाले कहते हैं ये दें ये, उस पर हम लोग। इस्लाम में तो इस चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इस्लाम में है ही नहीं है। पाकिस्तान से बाहर भी ये कोई चीज़ नहीं है जहेज? पाकिस्तान में, पाकिस्तान में है, पर ये है कि हम ना ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा दें। बेटे की मंगनी की है, उन्होंने शादी, हमने कहा था हम आप कर दें, उन्होंने कहा कि हमने ना बेटी के लिए कुछ नहीं बनाया। हमने कहा आप अगर कहें ना हम कपड़े भी घर से ले आएंगे, हम नहीं। उन्होंने कहा जी हमारी एक बेटी है, ख़ानदान वाले ये कहेंगे। हमने कहा नहीं ये चीज़ नहीं है कि आप ना ख़ानदान। अब भी अगर शादी लेट हुई, उस दिन भी मेरी बात हुई, मैंने कहा बात सुनो, अगर मैं बेटी लेके खुश नहीं ना तो मुझे कुछ भी। आजकल क्या करें, ना दे तो दुनिया छोड़ती नहीं है किसी को। क्या मतलब? मतलब ये कि थोड़ा दे बहुत देना पड़ता है, बच्चियों को देना किसी पसंद नहीं करना। कितने बच्चों की शादी की आप? मैंने 7 बच्चों की शादी की है। बेटियों की कितनी? बेटियों की भी की है, बेटों को भी की है। जहेज लिया भी और दिया भी है? दिया भी है, जिनको जिनके पास बच्चों की शादी क्यों है? अगर आप मतलब आप कह रहे हैं कि आपने मजबूरी में दिया है तो आपने लिया क्यों है? मेरी बात उनको बोला हमें कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने कहा हमने अपनी बच्ची को दे रहे हैं आपको नहीं दे रहे हैं, क्या करें फिर? आप कहें नहीं हमने नहीं, तो क्या करें फिर? वो कह रहे हैं हम अपनी बच्ची को दे रहे हैं, क्या करें? तो बच्चे पे आया मैं नहीं लिया। साढ़े माशरे की बुराई है जहेज? नहीं बस नहीं ना, माशरे कौन जानता हूँ। जब तुम्हारी शादी हुई थी जहेज लैके आई थी? साढ़े जमाने 40 साल हो गए, जहेज लैके मापिया ने जिन्हें उन्होंने गुजारिश। लेकिन हूँ ज्यादा आया चीज़ तो बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तुम्हें पता है कि हर साल पाकिस्तान से 2000 कुड़ियाँ जहेज के मामले की वजह तो खुदकुशी कर लेंदी। खुदकुशी के बुढ़िया हुई बैठी बेचारे दी उम्र 50-50 साल दी कुड़ियाँ तो हुई अगे कोई रिश्ते नहीं सही लभ दे उन्होंने सिर्फ जहेज की वजह। हाँ तो होर की है, कई कुड़ियों की शादी लेट होगी और यही है। शादीशुदा जी अल्हम्दुलिल्लाह लिया जहेज? मैंने खुद ना कभी मांगा है, जिसने देना है अपनी बेटी को देना है। अरे तो वो फॉर्मेलिटी है, एक होता है डिमांड, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई डिमांड नहीं की किसी किस्म की, ठीक है। और किसी ने बाप को या माँ को वालदैन को ये डर होता है कि जी जहेज ना दिया तो कल को ताने सुनने को मिलेंगे, तो आपके भी हो सकता है कि जो ससुराल था उनको भी ये डर हो? मेरे सर माशाल्लाह बड़े भाई की शादी हुई, हमने जहेज नहीं लिया, ठीक है। मेरी भी हुई है, हमने कुछ नहीं उनको मुतालबा किया, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कुछ दिया भी है तो वो सिर्फ अपनी बेटी के है, वो भी हमारी कोई डिमांड नहीं है,
ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है, इस चीज़ से हमें खुद भी डर लगता है, ठीक है। ये लेना अच्छी बात है या बुरी बात? सर अगर तो साहब हैसियत है दे सकते हैं तो ठीक है, वैसे कोई डिमांड नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये हमारे इस्लाम में तो नहीं कहा गया। आपने लिया, आपने अच्छा नहीं किया। मैं कहता हूँ मैंने अपनी ज़ात के लिए तो मैंने नहीं कोई डिमांड की कि मुझे कुछ दें, ठीक है ना, मैंने लिया। उन्होंने माशरे की ज़रूरियात को, माशरे के नज़रियात को देखते हुए उन्होंने आपको दिया? उन्होंने अपनी बेटी को दिया, मुझे नहीं दिया, बात समझ रहे हैं? दिया तो है ना, आपने कहा कि ये बुरी बात भी और ये लानत भी है, लेकिन आपने ले लिया। बुरी बात है, मैं तो वही कह रहा हूँ कि बुरी बात है, नहीं लेना चाहिए, लेकिन मांगना नहीं चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल कोई देते, मांगना नहीं चाहिए या लेना नहीं चाहिए? मांगना नहीं चाहिए, अगर कोई लेना चाहिए। अगर कोई अपनी बेटी को देता है तो वो सर अपनी खुशी से दे रहा है। जो बेटियों वाले उन्हें सब कुछ करना पड़ता है कि आगे जाके कोई बात ना करे। आपने कोई शादी की अभी तक? मेरे बेटी की शादी डिमांड की थी इसकी? नहीं नहीं, अपनी खुशी से जो दिया। क्यों दिया खुशी से, मतलब इतना गुजारा मुश्किल? बेटियों की आपको जरूरत है, हर घर की जरूरत है बच्चों की। कई बाप कर्जा लेके अपनी बच्ची को जहेज देते हैं और फिर वो कर्जा उतारते उतारते उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अल्लाह पाक पूरे करता है, जब बेटी की शादी को रखता है ना इंसान, अल्लाह पाक अपने गैबी खजानों में उसकी मदद करता है, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, अल्लाह पाक पूरे कर देते हैं। आपने तो नहीं कोई कर्जा लिया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बाई चांस ससुराल ऐसा होगा मेरे भैया जो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब वो भी ले जाते हैं तो बाद में वो भी ताने शुरू हो जाते हैं, तुम अपने घर से लेकर के आई हो, ना देना तब मजबूरी है, दे दो तब भी मजबूरी है। भैया लानत है जहेज, ये बहुत बड़ी लानत है, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? नहीं सकती, पाकिस्तान में ही है, दुनिया में नहीं है, सिर्फ आपके पाकिस्तान में। पाकिस्तान में नहीं हो सकती, पाकिस्तान का निज़ाम ही ऐसा है, जब तक सिस्टम नहीं सही होता ना ऊपर से नीचे तक, तो कुछ भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान में हर साल 2000 लड़कियां सिर्फ जहेज़ के मसले की वजह से खुदकुशी कर लेती हैं, कई सौ बाप जहेज़ बेटी का कर्ज़ा उठाते हैं जहेज़ के लिए और वो चुका नहीं पाते और इसी चक्कर में ना सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं, शुगर हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, मरते हैं। कौन जिम्मेदार है? उस हिसाब से देखा तो हुकूमत ज़िम्मेदार है, क्योंकि जब तक इस मुल्क का सिस्टम नहीं ना अच्छा होगा तो खुशहाली नहीं ना होगी, तो फिर मसले हाल में। आपने शादी की है? मेरी शादी है। आपने जहेज़ लिया? लिया, जाहिर बात लिया। क्यों लिया? लेना पड़ गया, पर रस्म चल गई, हम क्या करें? आप मना भी कर सकते हैं? मना भी करते तो फिर भी उन्होंने अपनी बेटी को देना, उन्होंने कहने आपको नहीं दे रहे अपनी बेटी को देंगे, कल हमें बातें ना सुननी पड़े, नहीं मजबूरी हो चुकी हुई है। मैंने बोला कि जब तक इस्लामी सिस्टम नहीं ना बनेगा तब तक ये लानत। आप अपनी बच्ची की शादी करेंगे उसको जहेज देंगे? जाहिर बात उसको देना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का कानून बन चुका है हमारे मुल्क में, एक लाजमी रस्म बन चुकी, देनी देनी है। हर साल 2000 लड़कियाँ पाकिस्तान में मर जाती हैं यही जहेज के मसाइल की वजह से? नहीं, ये आप एनालिसिस करके आए होंगे, मैं नहीं समझता इससे ज़ायद तादाद है। इससे ज़ायद तादाद, अंदाजन एक तादाद 2000 है कम से कम। ये जितनी भी तादाद आप बता रहे हैं, लोगों में अब अवेयरनेस आ गई है, लोगों में अब ये एक शऊर आ गया कि हम बच्ची को देंगे, बस इतनी बात है। यहाँ इसमें घुमा फिरा के भी कहें नहीं होगा ये होगा, देखें एक बेटी जब जाती है, आपका बच्चा है भाई, बच्चे ही की तो शादी करेंगे आप? हाँ, उस बच्चे का जहेज लेंगे? हमने तो कई मर्तबा उनको कहा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, आप बेटी भेज दें, अल्लाह का दिया घर में सब कुछ है, लेकिन वो फिर भी दे रहे हैं। फिर भी वो देते हैं तो फिर क्या कर सकते हो आप, बताइए आप क्या कर सकते हो? एक तरफ लंच लगा होता है, डिनर लगा होता है, वो ना दे तो क्या करें आप? जहेज मांगना बुरी बात है? मैंने कब कहा है कि बुरी बात है, पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं नहीं, ये मांगने वाला तो कोई है ही नहीं, देने वाले जो मुखिया वाले डिमांड करते हैं ना जहेज की भाई, वो करते हैं, उनको भी तो थोड़ा सोचना चाहिए ना, अगर वो डिमांड करते हैं तो उनको सोचना चाहिए। मैं आपसे इतना पूछ रहा हूँ, अच्छी बात है बुरी बात? नहीं, देखें गरीब आदमी इस्तकाक नहीं रखता तो कौन सी बुरी बात है बताइए? जहेज मांगना लड़के वालों की तरफ से बुरी बात है? नहीं रखता ना, वालदैन नहीं रखते, अगर उनसे वो फोर्स कर रहा है तो ये बुरी बात है? बुरी बात है, बस अगर इस्तकाक रखता तो दे। जहेज एक लानत है? वो तो जाहिर है, लेकिन दुनियादारी के बीच करना पैंदा बेटा। जहेज देना बुरी बात है? तो बुरी बात है, लेकिन लेना भी बुरी बात है। जाहिर है दोनों पासे को फंक्शन आ जाता है ना, तो फिर यह चीज़ साढ़े माशरे तो खत्म क्यों नहीं हो रही? यह पाकिस्तान के अलावा यह चीज़ कितने नहीं की दुनिया से? बेटा बड़ी सोहनी गल की, जो उ बैठे ना हुकमरान, उन्होंने साढ़े तो जहेज मांग लिया, चाहिए दूजिया कानून बनाए। एक सैकेंड जी, मैं दूजिया जो लॉकडाउन ला दिता जी, फलाना काम कर दिया फलाना कर, वो भी एक्शन कर, वो क्यों नहीं एक्शन कर? आप चाह रहे हैं कोई कानून बने जिसमें जहेज पर पाबंदी लगी? हाँ बिल्कुल सही,